हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, अभी जो एक्सरसाइज आपको सिखाई जाएंगी वन से टेन तक है। इन एक्सरसाइज में कम्प्लीटली आपको काफ़ी हद तक अक्सर सिखाने की कोशिश की गई है। इसमें जितने भी टेबल्स हैं वो हमारे डिजाइनिंग से, इसके अंदर आप अलग अलग तरीके से फॉर्मूलेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनको भी सॉल्यूशन समझाया गया है कि किस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब तक आपको वो प्रैक्टिकल नहीं मिलता है आपको एक्सरसाइज सीखने का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जहां भी जॉब वगैरह में जाते हैं या फिर कुछ भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं या कुछ भी वर्क करते हैं इस पर, तो आपको प्रैक्टिकल की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल जितना अच्छे से आपका बेस आपका स्ट्रांग होगा उतने अच्छे से आप वर्क कर पाएंगे। अगर आप बीच में से मिड में से कहीं मेरी एक्सरसाइज देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग वन वाले से स्टार्ट करिए, और अगर आप एंड से देख रहे हैं तब भी आप वन से लेकर या प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इस हर जो वीडियोस है उसमें बहुत अच्छे से क्लास को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से जो एक्सेल है उसमें किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम एक एक फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन किया गया है। तो जितने भी वीडियो है बहुत ही ध्यान से स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे तब भी फायदा है, अदरवाइज कोई इसका यूज नहीं है। क्योंकि आप देख के रफली आगे के कर देते हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी कोई यूज नहीं। तो जितना देख रहे हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी नॉलेज गेन हो, और हर एक चीज के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपका बेनिफिट ही होगा, कभी भी प्रैक्टिकली आपको कहीं भी जॉब वगैरह में रिक्वायरमेंट है तो आप उनको अच्छे से समझ के उसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना है। तो चलिए हम चलते अपनी वीडियो की तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। ये हम अभी आपको बताएंगे एक्सरसाइज 8। इसके अंदर हमने एक छोटा सा सैंपल बनाया है, देखिए, जिसके अंदर हम ये जो कमीशन कार अलाउंस वगैरह ये निकालेंगे, और इसमें हम वीलुकअप भी यूज़ करने वाले हैं। इसमें ये टेबल वीलुकअप में हेल्प करेगी, और ये जो आप देख रहे हैं ये कमीशन और रेट, ये आपको इस कैलकुलेशन में यूज़ होगी। और कैलकुलेशन में जो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे उससे हमारा फॉर्मूला ड्रैगिंग के थ्रू इजीली यूज़ हो सकता है। चलिए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट तो यही है, क्वेश्चंस जितने भी हम वो सॉल्व करेंगे। फाइंड द कमीशन, जिसमें आपका सेल्स और कमीशन रेट को मल्टीप्लाई किया गया, हमारा ये जो निकलेगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो अभी हम करके दिखाते हैं। इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय कमीशन रेट, ठीक है। अभी हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ऐसे करने के बाद अगर मैं इसको ड्रैगिंग करूं तो आपका आंसर फर्स्ट तो ठीक निकलेगा, सेकंड F2 दबाती हूँ मैं, ये सेकंड इसको पिक कर रहा है, ठीक है, और थर्ड में कुछ पिक नहीं कर रहा है, फोर्थ में इसको कर रहा है। इट मीन्स अगर मैं इसके फॉर्म और ये नेक्स्ट में 600 को पिक कर रहा है, इट मीन्स अगर मैं इसके फॉर्मूले को अप्लाई करूँ, ड्रैग करूँ, तो इसको ड्रैग करने के साथ साथ ये भी ड्रैग हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट तो मेरा ड्रैगिंग चले बट सेकेंड वन आपका फिक्स रहे, ये 5% को ही उठाए। एक तो ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ टाइप ही 5% कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ 5% टाइप कर दूँ तो ऑब्वियसली आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। बट इसमें ये लॉस है कि आप चेंज करना 5% तो यहाँ पे करके फिर ड्रैगिंग करेंगे, मेरे को यूज़ यही करना है, जब भी चेंजेस करना 5 की जगह 6 करना हो तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करके करें और ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमें वही लेना है, यूज़ सेल ही करना है ये वाला, ठीक है, और उसके बाद इसको हम कर्सर जैसे यहाँ पे रखते हैं F4 प्रेस कर देंगे। F4 प्रेस करने से ये शॉर्टकट है, आपका डॉलर आपका फिक्स हो जाएगा, डॉलर मतलब इस कॉलम में और इस रो में यहीं पर इसी सेल को उठाएगा और किसी पर जाएगा नहीं। डॉलर का जो साइन होता है आपका, ये आपको डॉलर लगाने से आपका जो अंडू हो गया है, वापस करते हैं, आप कर्सर यहाँ लाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और F4 प्रेस कर देंगे। डॉलर लगाने के बाद क्या होगा मैं इसको ट्रैक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए F2, ये वहीं रहा है फर्स्ट वन, सेकेंड आपका ड्रैग हो गया, ये यहीं पर रहा है, सेकेंड ड्रैग हो गया, तो ये आपका डॉलर लगाने से ये बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी एक सेल के साथ मल्टीपल आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आप डॉलर यूज़ करेंगे आगे से ताकि आपका काम ईजी हो सके। फिर है कार अलाउंस, अगर आपका ग्रेड B है तो या D है तो आपका 100 आंसर आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। अभी तक हम एक ही स्टेटमेंट यूज़ करते आए थे जिसके अंदर अगर इफ़ ये है तो आपका एक स्टेटमेंट दिखाए अदरवाइज दूसरा दिखाए, यहाँ पे हमारा इफ़ 2 वेरी करता है, यानी कि इसमें से 2 चीज़ें उठाएगा, ठीक है। इसके लिए हम और कंडीशन यूज़ करेंगे, और एंड
नोट, ये काफ़ी आगे हम जो एक्सरसाइज कराएंगे उसमें भी समझाएंगे। अभी छोटा सा एक एग्जांपल है, इफ़ दिस इज इक्वल टू बी, ठीक है, और अगेन दिस इज इक्वल टू डी, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 और 0। यहाँ आपको एक चीज़ देखने वाली है, इफ़ हमेशा एक स्टेटमेंट को लेता है, यहाँ पे दो दो स्टेटमेंट आ गई है हमारे पास। अगर मैं इसको एंटर करूँगी तो आंसर को रोक देगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट दो है यहाँ पे, तो इन दोनों को ही चेक करें कंप्यूटर। तो यहाँ पर और मतलब एनी वन, नहीं सॉरी, और नहीं आएगा, एंड आएगा, एंड दिस एंड दिस, ठीक है, और एंड कंफ्यूजन हो जाता है मुझे भी कभी कभी, और ही आएगा, क्योंकि एक सेल में तो हम एक ही चीज़ लिख पाएंगे ना, या तो बी आए या डी आए, ठीक है, दोनों तो एक साथ लिखा नहीं हमने, ए बी और डी, तो ये ओ एंड यूज़ होगा अगर अलग अलग कॉलम्स में है, और होगा एक ही सेल कॉलम में, एक ही सेल में अगर बी लिखा है तब भी आंसर 100 आएगा, डी लिखा है तब भी आंसर 100 आएगा। एंटर करते हैं, देखिए इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट अगर अप्लाई करता तो ये 100 आंसर देता, इसके सेकंड स्टेटमेंट पे जा रहा है, क्योंकि ये ना तो बी है ना यहाँ डी है। इसको भी हम ड्रैग करके देखते हैं, ये देखिए ड्रैग करने से क्या है, यहाँ पे बी है, आंसर आ गया 100। देखिए जहाँ भी बी और डी है वहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। अगर हम चेंज करते ए को बी कर देते तो ये देखिए यहाँ पर आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी हम सेम जैसे ऊपर हमने यूज़ किया था सेकेंड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन भी वही है, आपको क्या करना है, बेसिक और सोशल इंश्योरेंस को मल्टीप्लाई करना है और वो डॉलर का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बेसिक आ गया, बेस सैलरी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सोशल इंश्योरेंस से, ये देखिए आपका बेसिक सैलरी और सोशल इंश्योरेंस, बेसिक सैलरी, बेसिक ही बेस सैलरी ही है, ठीक है। अभी 15 आ गया, और अगर इसको ड्रैग करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, F4 से ये डॉलर में कन्वर्ट हो गया, देखिए गॉट इट, कि आपका आंसर आ गया। सिंपल है, जो सेकंड है ऐसे ही ये वाला है। अच्छा, मंथली सैलरी में इन्होंने क्या किया है, सैलरी, बेसिक सैलरी, कमीशन और कार अलाउंस, ठीक है, बेसिक सैलरी, कमीशन और कार अलाउंस, यानी डी, एफ और जी, इन तीनों को सम करेंगे, तो अलग अलग करना है, ये लिया प्लस किया और ये वाला, गॉट इट, ये देखिए फिर से चेक कर लेते हैं हमने सही किया है। इसमें हमारा है बेसिक सैलरी सोशल इंश्योरेंस, सॉरी बेसिक सैलरी कमीशन और कार अलाउंस, बेसिक सैलरी कमीशन और कार अलाउंस, ठीक है, ओके, ये देखिए आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका है नेम द सेल G17A। देखिए जब हम किसी सेल को यूज़ कर रहे हैं या तो उसकी हम रेंज मेंशन करते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इज इक्वल टू, इसकी रेंज कितनी है, ये आपकी ये रेंज है, यानी G17 to H20, ठीक है, जब कभी भी हम इस रेंज को यूज़ करना है तो ये आपका G17 H20 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे ये रेंज कहीं यूज़ करनी, बार बार मुझे याद करना पड़ेगा, इट्स बेटर, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इस रेंज को ग्रेड नाम से आप सेट कर दीजिए, तो हम सेलेक्ट करते हैं और कर्सर हम ऊपर लेके जाएंगे टॉप लेफ्ट पर, यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड, कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है, एंटर किया। अभी इसका यूज़ क्या है, अगर मैं कभी भी लिखूँ इज इक्वल टू ग्रेड, देखो ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि यहाँ बना हुआ है हमारा, ठीक है, तो ग्रेड से आपका इतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, तो इसको जहाँ भी यूज़ करेंगे सिर्फ ग्रेड लिखेंगे अब, ठीक है। अभी इसका यूज़ भी बताएंगे कहाँ है, ये इसमें है वी लुकअप में, ठीक है, वी लुकअप अभी आपको मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ, आगे आके हम डीपली भी समझाएंगे इसको। ये जैसे अगर मेरा ए के बाद पास सीनियर है, तो मेरा ये आंसर देखकर इसको चेक करेगा टेबल को, यहाँ सीनियर लिख देगा। देखिए चलते हैं हम वी लुकअप सीखने, वी लुकअप, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लेके जाते हैं, और इस पे वी लुकअप में सबसे पहले खुद की टेबल का वो डेटा उठाना है जो दूसरी टेबल में मैचिंग है, फिर हमने जो टेबल इस टेबल का नाम दिया था, या तो रेंज सेलेक्ट करेंगे तो भी नाम आ जाएगा, अदरवाइज अगर हम टाइप करते हैं तो भी आ जाएगा, दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इस वाले टेबल में ये आपके लिए कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ठीक है,
तो अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप यहाँ वन लिखिए, अगर आपको ये वाला डेटा यहाँ टाइप कराना है तो टू लिखिए। अभी हम टू लिखते हैं और ज़ीरो आपका ट्रू और यहाँ पे फॉल्स वन के लिए होता है, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेटली मैच ये करके आप इसको एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो वो मैच करेगा, यहाँ से चेक करेगा, इसमें से उठाएगा और यहाँ लिख देगा। ठीक है, मैं पूरे को ट्रैक करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। ओके, अगर आपका ज़रा सा भी मिसमैच होगा, लेकिन मैंने एक के बाद यहाँ स्पेस कर दिया, ये देखिए हो गया ना गड़बड़। आप कुछ नहीं समझ में आएगा कि हाँ अरे सब कुछ तो सेम सेम है, बट ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो कि आपके डेटा को मिसमैच कर देती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान से करिए कि कहाँ अटक रहे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लिखने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। अच्छा, बी क्या है कि हमने ग्रेड नाम तो दे दिया, बट ग्रेड की जगह मुझे ग्रेड किसी और टेबल को नाम देना था। अगर मैं चाहती हूँ इस रेंज को ग्रेड देना, मैं यहाँ कर्सर टाइप करती हूँ, मैं लिखती हूँ ग्रेड, ठीक है, और एंटर, तो कर्सर ऑटोमेटिकली यहीं आके वो सेलेक्ट करेगा। मैं चाहती हूँ कि किसी और को मेरे को ग्रेड देना था, इसको दे दिया, मैं इसका नाम चेंज करना चाहती हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं इसमें, हमारे पास ऑप्शन आएगा, ये हमारे ऑप्शन एक मिनट देख के बताते हैं, या इसमें आता है, ये देखिए आप इसमें जाएंगे फॉर्मूलाज में और यहाँ होता है मैनेज नेम, नेम वगैरह पर जितना काम होता है इसके थ्रू होता है, नेम मैनेज पे क्लिक किया। ठीक है, आपको जितने भी आपने नाम दिए, हमने बहुत सारे नाम दिए, हमारे पास बहुत सारी इसमें शीट्स बनी हुई है, ये देखिए इतनी सारी शीट्स बनाई, ये ग्रेड है दिख रहा है आपको जो भी हमने लिया था। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ एडिट करते हैं, ठीक है, एडिट ग्रेड को ग्रेड टू कर दिया। ओके, अभी ओके करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, मैं बाहर आती हूँ इससे। अभी देखिए मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ तो चेंज नहीं करा, देखो आ गया ना ये ऑटोमेटिकली ग्रेड टू। चलिए हम इसके फॉर्मूले पे भी चलते हैं, मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ किया था ग्रेड को, ठीक है, F2 प्रेस किया, ये देखिए मैं जूम इन करके दिखाती हूँ, ये आ गया ना ग्रेड टू। मीन्स आप इसके जो मेन सेटिंग में अगर आप चेंजेस करोगे तो सारे टेबल्स में जहाँ जहाँ यूज़ है, चाहे आप जितनी मर्जी बार यूज़ किया हो उसको, वहाँ अलग से इंडिविजुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर अपने आप चेंज कर देता है उसको। ठीक है, अच्छा इसमें है कॉपी द पोजीशन के, ये देखिए ये बोला गया है कि इसके अंदर कॉपी द पोजीशन डेटा एंड पेस्ट इन टू द रेंज। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इस वाले पूरे डेटा को उठा के यहाँ से कॉपी करके मुझे इसके नेक्स्ट वाले कॉलम में इसको पेस्ट करना है, बट ये आपका जो पेस्ट हो रहा है सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है, ये देखिए आ रहा है ना, फॉर्मूला पिक कर रहा है, तो ये मेरा आंसर ठीक नहीं आ रहा, मुझे एज इट इज़ एज कॉपी करना है, इसको यहाँ ला के रखना है। तो सेम वही कॉपी किया इतने रेंज सेलेक्ट करके और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे और यहाँ एक होता है वैल्यू, दिस वन, ठीक है। वैल्यू से क्या होगा, आपका पूरा एज इट इज एज डेटा विदाउट फॉर्मूला शो कर देता है वहाँ पर। ये बहुत सारे और ऑप्शन हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, एक साथ समझाएंगे तो प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए हर एक थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके इनको समझाया जाता है। अभी देखिए ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूँ तो इससे कोई इसको अफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अभी हमारा ये कुछ ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है बस, बाकी कंप्लीट होने वाला है। अप्लाई कलर कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑन द अबव टेबल। कलर कंडीशन फॉर्मेटिंग आप जो होता है, जैसे मैंने इस पे कर लिया, इस वाले पे, किसी पे भी ले सकते हैं, होम पे गए, ये आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग कलर स्केलिंग है, देखिए जैसे जैसा कलर होगा ना मिलता जुलता उसके अकॉर्डिंगली आपका ये डेटा फेच कर लेता है। ठीक है, ऐसे कोई भी सेटिंग रख सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, आप टोटल कर सकते हैं, एवरेज का फॉर्मूला आपको बताया, हाईएस्ट मैक्सिमम होता है, लोएस्ट मिनिमम होता है, और नंबर ऑफ काउंट आपका काउंट के लिए होता है। तो ये वाले क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, करके इनका आंसर निकालिए। और इस वीडियो, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, इसमें कुछ ट्रिक्स बताई गई है, छोटे छोटे शॉर्टकट्स बताए गए हैं और टेबल को बहुत ही ईजी फॉर्मेट में करना बताया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।